हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात कर लेते हैं रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया लिमिटेड की। क्विकली एनालिसिस देख लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो ये वन आरटीएफ का चार्ट है और लास्ट वीडियो जो मैंने बनाया था वो बनाया था मैंने यहाँ पे अगस्त के अराउंड, जब स्टॉक ब्रेकआउट के अराउंड था। मैंने कहा था अगर लेवल क्रॉस हो जाएगा तो ब्रेकआउट देगा, नहीं होगा तो रिवर्सल एग्जैक्ट यहीं से आएगा, और यहीं से रिवर्सल्स देखने को मिले और स्टॉक बिल्कुल नीचे तक भी आया था। अभी की बात कर लें तो स्टॉक में जो कल था वो न्यूज़ ड्रिवन था पूरा, इस वजह से ये पंप हुआ। अदरवाइज स्टॉक आप देखोगे यहाँ 12th of September को जो इन्फ्लेशन डेटा आना था इंडिया का, उसके बाद ये एक बुलिश मोमेंटम पकड़ा, नेक्स्ट डे फिर फॉल हुआ बिकॉज यहीं एग्जैक्ट फिर रेजिस्टेंस मिली। तो सेलर्स का एरिया है ये पूरा कहीं ना कहीं, और सेलर्स के एरिया में जैसे ही जाते हैं तो रिजेक्शन फेस मिलती है। कल की बात कर लें तो स्टॉक न्यूज़ ड्रिवन था, इसीलिए सेलर्स का एरिया ब्रेक करके उसने नया एक सेलर का एरिया क्रिएट किया यहाँ पे। वेल, पैनिक सेलिंग ही देखने को मिली है दिन भर। और जो आप देखोगे तो न्यूज़ थी तो फंड पिकअप शेयर की थी, फंड पिकअप शेयर इन रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया आफ्टर टॉप शेयर होल्डर स्लैश स्टेक। तो जो टॉप शेयर होल्डर थे उन्होंने अपने स्टेक्स कम कर दिए, इसीलिए स्टॉक में ये आप देखोगे मोमेंटम था। तो ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, और आप देखो गैप भी हो गया था तो गैप फिलिंग करने के लिए स्टॉक फिर से नीचे आ सकता है। तो स्टॉक को आप यहीं पे पकड़िएगा 120-121 के आसपास, बिकॉज जब ऐसी गैप हो जाते हैं तो स्टॉक फिल करने ज़रूर आता है। और जस्ट इन केस अगर यहाँ से रिवर्सल दे देता है स्टॉक, क्योंकि अगर यहाँ बाइंग मोमेंटम देखने को मिल जाता है स्टॉक को, तो आपको स्टॉक फिर से यहाँ तक की रैली दिखाएगा। यहाँ से स्टॉक यहाँ तक ज़रूर जाएगा, और वो इसलिए जाएगा बिकॉज आप देखोगे एक बार ऑलरेडी ये सेलर्स का एरिया तो क्रॉस हो गया तो ये बायर्स का एरिया बन गया। तो बायर्स का एरिया बन गया जब, तो अब नेक्स्ट ये है इनका सेलर्स का एरिया, तो यही एग्जैक्ट इनको रेजिस्टेंस फिर से मिल सकती है। तो ये इनके लिए एक मेजर हर्डल है, और माइनर हर्डल है ये वाला। तो अगर ये फॉल यहाँ से करेगा तो फिर स्टॉक फिर से आपको यहाँ की गतिविधि दिखाएगा, जैसे यहाँ से हुआ था, फॉल किया फिर बढ़ा फिर फॉल किया, ऐसे ही स्टॉक फिर यहाँ से फॉल करना आपको ईजिली देखने को मिल सकता है। तो ऐसे चलने वाला है आपका रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया। नीचे के लेवल्स मैंने क्लियर कर दिए हैं। वेल, थोड़ा स्टॉक अगर कहीं ना कहीं पुलबैक भी बनाएगा तो ये वो इस लेवल पे बना सकता है, वरना इसके बाद आप देखोगे नीचे जाएगा। ऐसा ही पुलबैक यहाँ भी बनाए क्योंकि ये वाले लेवल का, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि वहाँ भी पुलबैक बन सकता है एक। तो आपको नीचे के लेवल्स क्लियर हो गए, ऊपर के भी मैंने दोनों ही बता दिए हैं, और ऑलरेडी मैं इसके डिस्कशन कर चुका हूँ रिजल्ट्स के कंपनी के रिजल्ट कैसे थे और क्या रहे हैं, वो आपको लास्ट वीडियो में मिल जाएंगे। तो वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज़ मी शुभम यादव, साइनिंग ऑफ़।